हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अटैक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी फंगल ड्रग्स की थर्ड कैटेगरी एलाइल अमीन्स वो डिस्कस करूंगा। इससे पहले हम पोलिन्स और अजोल कैटेगरी को डिस्कस कर चुके हैं, तो जो हम थर्ड कैटेगरी आज डिस्कस करेंगे वो है एलाइल अमीन्स। इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो है टर्बिनाफाइन, ब्यूटेनाफाइन और नेफ्टिफाइन। इन तीनों ड्रग्स को या तो हम ओरली यूज करते हैं या टोपिकली यूज करते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, ये ड्रग्स क्या होती है, फंगी सिडल होती हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अजोल्स, जिसके अंदर दो सब कैटेगरी थी, इमिडाजोल और ट्रायाजोल। वो दोनों ड्रग्स कैटेगरी की ड्रग क्या थी, फंगी स्टेटिक और एलाइल अमीन्स क्या है, फंगी सिडल। इन ड्रग्स को, एलाइल अमीन्स को मेनली हम डर्मेटोफाइट्स या फिर टीनिया इन्फेक्शन लाइक टीनिया पेडिस, हेपेटाइटिस क्लोराइड, उनके लिए यूज करते हैं। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग एक्ट कैसे करती है। ये ड्रग क्या काम करती है, फंगस के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फंगस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, अल्गोस्ट्रोल। तो ये ड्रग क्या काम करती है, फंगस के अंदर सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। वो कैसे इनहिबिट करेंगी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो अल्गोस्ट्रोल की बनी हुई है वो सिंथेसाइज कैसे होती है। सबसे पहले क्या हुआ, फंगस के अंदर स्क्वेलिन, स्क्वेलिन से क्या बनता है, स्क्वेलिन अपोक्साइड से क्या बनेगा, लेनोस्ट्रोल, और लेनोस्ट्रोल आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एल्गोस्टेरोल में। यहां पे जो स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्साइड बनेगा, तो एक एंजाइम है स्क्वेलिन अपोक्सीडेज, वो एंजाइम उसमें हेल्प करेगा। स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्सीडेज बनने में कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, स्क्वेलिन अपोक्सीडेज। और आगे फर्दर एक एंजाइम और यूज होता है लेनोस्ट्रोल से, क्या बनता है जब, एल्गोस्ट्रोल। कौन सा एंजाइम काम करता है वहां पे, लेनोस्ट्रोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज। तो हमारी जो ड्रग है एलाइल अमीन्स या टर्बिनाफाइन, ब्यूटेनाफाइन या नेफ्टिफाइन, वो ड्रग क्या काम करेगी, वो स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। अगर ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्साइड नहीं बनेगा। स्क्वेलिन अपोक्साइड अगर नहीं बनेगा तो फर्दर अल्गोस्ट्रोल सिंथेसिस नहीं होगी, मीन्स फंगस के अंदर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जो स्क्वेलिन होता है अगर वो फंगस सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाए तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, मींस स्क्वेलिन खुद भी टॉक्सिक होता है फॉर फंगस। यहां पे जब स्क्वेलिन से स्क्वेलिन अपोक्साइड नहीं बनेगा तो क्या हुआ, स्क्वेलिन है वो फंगस सेल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा जो फंगस के लिए टॉक्सिसिटी शो करेगा। तो दो तरीके से एक्ट कर रहा है, एक तो ये स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, दूसरा खुद स्क्वेलिन क्या होता है, टॉक्सिक होता है फंगस सेल के लिए। इस तरीके से ड्रग क्या काम करती है, फंगस को किल करती है, मींस इनका इफेक्ट क्या होगा, फंगी सिडल। इससे पहले हमने अजोल कैटेगरी की जो ड्रग स्टडी की थी उसमें क्या था, वो भी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लेकिन वो दूसरे एंजाइम को टारगेट कर रही है। वो किस एंजाइम को टारगेट कर रही है, लेनोस्ट्रोल, अजोल। ड्रग क्या काम करती है, लेनोस्ट्रोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है अजोल, जबकि हमारी एलाइल अमीन से वो ड्रग क्या काम कर रही है, स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, फिर आता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलाइल अमीन से वो कंपिटिटिव इनहिबिटर है या नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है स्क्वेलिन अपोक्सीडेज की। तो ये ड्रग क्या है, नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है स्क्वेलिन अपोक्सीडेज एंजाइम की। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा कि ये ड्रग है, एक तो ये गैस्ट्रिक अपसेट कोज करती हैं, दूसरा है रैशेस कोज करती हैं, थर्ड वन है टेस्ट डिस्टरबेंस कोज करती हैं, और फोर्थ वन अगर हम इनको टॉपिकली यूज करते हैं तो ये ड्रग क्या काम करती है, इरिथमा, ईचिंग और अर्टिक्रिया कोज करती है। मींस इन ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट है वो मिनिमम है, ज्यादा एडवर्स इफेक्ट इनके नहीं है। मेन क्या है कि ये रैशेस कोज करती हैं। फिर आते हैं यूजेस, यूजेस में क्या आएगा कि इन ड्रग्स को हम मेनली या कॉमनली डर्मेटोफाइट्स या टीनिया इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड कैटेगरी एलाइल अमीन्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।